अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो तो बेस है, ठीक है। मेरा नाम है मोहम्मद बैर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जेड के कॉमेडी। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस जगह का रिव्यू कराने वाला हूँ जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ माउंटेन्स, यानी पहाड़ों की सरजमीन। ये आप समझ गए होंगे कि यह कौन सा सूबा है, आप चेक कर सकते हो। लैंड ऑफ माउंटेन्स आप सर्च भी करें तो लैंड ऑफ माउंटेन्स जैसे आप सर्च करें तो सबसे पहले आएगा बलूचिस्तान। तो मैं इस टाइम बलूचिस्तान के इलाके में मौजूद हूँ, डेरा मुराद जमाले में। तो भाई मैंने लोड किया था ईंटें इधर गाड़ी पे, आप देख सकते हैं इस टाइम मेरी गाड़ी वो खड़ी हुई है, वो देख सकते हैं आप, ये ईंटें उतारी हैं इधर एक किस्म का। तो मैं सोचा कि मैंने अपने फ्रेंड को दिखाना है कुछ आज। तो भाई जो पिछले महीनों में तकरीबन 5 महीने 6 महीने हो गए जो सैलाब आया था, तो ये आप पीछे देख सकते हो, ये ट्रेन की पटड़ी पड़ी है नीचे, पीछे की जानब देख रहे हो, ये सारी जगह ना पानी से बिल्कुल भरी हुई थी। कोई यानी धरती यानी कोई खुशकी वगैरह नज़र नहीं आ रही थी, इधर सब पानी पानी था। लोग बेबस हो के उनको ना अपना घर छोड़ना पड़ा। तो आप पीछे देख सकते हैं इस टाइम ये घर बिल्कुल डूब चुके थे, पहले ये पीछे आ गए थे, अब ये बंदे देख रहे हो आप, ये झुग्गियाँ लगा के बाहर आके बैठ गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी बिल्कुल सूख चुका है, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब मौसम अभी भी ख़राब है, कल तकरीबन बारिश आई थी, बहुत तेज़ बारिश आई थी। मुझे तकरीबन जब मैं ना सादकाबाद से निकला हूँ गाड़ी लोड करके ना, तो बहुत तेज़ बारिश हुई। तो गाड़ी का आपको हशर भी दिखाता हूँ भाई, कितनी बारिश आई और गाड़ी को दिखाऊंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आज ठंडा है इधर का, वरना इधर ठंडा मौसम नहीं होता, गर्मी होती है। तो पीछे देख सकते हैं आप इस टाइम पीछे के लोग भी बैठे हैं इस टाइम झोपड़ियाँ लगा के। बाकी आप ये दरख्त वगैरह कीकर वगैरह हो गए ऊपर, और भी दरख्त हैं ये छोटी छोटी, गर्मी की वजह से ना, हब्बस की वजह से कल बारिश आई है, उसकी वजह से तितलियाँ निकल रही हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं, अब मैं आपको गाड़ी का शर दिखाता हूँ। ये इस टाइम डेरा मुराद का रोड है जो क्वेटा की जानब जा रहे हैं, पीछे मैं आपको आगे जाके भी दिखाऊँगा। ये एक रोड क्वेटा की जानब जा रहे हैं, नौताल से सिबी होता तो गंदावा को भी चला जाता है, ये रोड क्वेटा को भी चला जाता है। जब ये बारिश हुई ना कल, तो आपको गाड़ी का हशर दिखा था भाई, गाड़ी का क्या हशर हो इस टाइम आप देख सकते हैं, चेक कर लो, यानी बिल्कुल गंदी हो चुकी है इस टाइम, देख सकते हो इस टाइम, ये देखो कितनी मिट्टी है इस पर, बार अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाइम गाड़ी उतरी है, चेक कर सकते हैं, बाकी थोड़ी बच गई है माशाल्लाह, गाड़ी बाकी उतर चुकी है। तो दोस्तों इधर एक चाचा बैठे हैं मौजूद है हमारे पास, तो जिस दिन सैलाब है इधर कितना पानी था स्कूल के नीचे, मैं चाचे से पूछूंगा बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम चाचा, क्या हाल है? खैर तो भैया सर, ठीक है? सही है, सही है। अच्छा ये बताएं, जब सैलाब आया तो कितना पानी था इधर? बहुत पानी था। अच्छा बेअंदाज में पानी था, घर वगैरह डूब गए थे, घर डूब गया, कच्चा घर है वो सारा मन गिर गया था। अच्छा हाँ, जो गरीब लोग है वो सारे नहा से ऊपर जैसे मन बड़े बड़े गिर गए, मैंने बहुत जमीन बनाता हूँ बड़े होते थे राज करते। अच्छा हाँ, बहुत यानी बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान, जानी हुआ माली हुआ सब बहुत नुकसान। हमारा साहब गांव में चल गया, हम चला गया था सादकाबाद में। अच्छा सादकाबाद वापस आप हो किधर के, उधर के हो? सादकाबाद किधर के हूँ। कास्ट क्या है, कौन कौन से बलोच है, कौन हो? बलोच से डुमकी है, डुमकी बलोच है। चाचू हमारे साथ इस टाइम गाड़ी उतारे हैं, हम मजबूर हूँ, क्या करूँ गरीब मजबूर यार। तो आप देख सकते हो चाचे से हमने बात भी की, उन्होंने कहा कि बहुत इधर नुकसान हुआ था जब सैलाब आया था, इस टाइम वो चाचू गाड़ी उतार रहे हैं। ये पीछे ट्रक खड्डा है, मेरे बैग जनाब देख रहे हो, ये मैं इस टाइम ट्रक के अंदर मौजूद था, ईट बार के आया था सादकाबाद से, पीछे की जनाब ट्रक खड्डा है मेरे पास, पीछे तो इस टाइम मैं बाहर आ गया हूँ चाचे से बातचीत करके। तो भाई सुनिए उसकी बात के, इधर सारे घर थे ना वो डूब गए थे इधर ही, बाकी जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ था इधर, इधर पीछे वाली जानब आपको जो दिखाया मैंने पुल वगैरह। तो मैं इस टाइम अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ, देख सकते हो इस टाइम गाड़ी मेरी खड़ी है, मैं इधर अंदर जा के बैठूँगा। तब पीछे चेक करें,
अभी तक भी लोग यही मौजूद बैठे हैं। आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं पीछे, ये वही लोग हैं सैलाब वाले, अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं, घर इनके गिर गए थे बिल्कुल। अभी इतनी हस्ती भी नहीं है भाई, न्यू घर बनवाए तो ईंटें इधर बहुत महंगी हैं, उधर से हम ले के आते हैं, उधर तो सस्ती मिल जाती हैं सदकाबाद से रिंदर खां से, तो इधर बहुत महंगी हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, और जितने भी मेरे भाई हैं यार मुझे सपोर्ट करें यूट्यूब पर, इंशाल्लाह ताला आपको हर पाकिस्तान का हर इलाका दिखाऊँगा, हर ज़िला दिखाऊँगा। बाकी सबको लव यू हो गया, खुदा हाफिज़, माशाल्लाह।